फ्रेंड्स, मैं आज आपको आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सभी स्टूडेंट्स को राजेंद्र सिंह का प्यार भरा नमस्कार। और ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात तथा समानुपात एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप कह सकते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो अर्थमेटिक का पोर्शन है उन सभी के लिए ये बैकबोन की तरह काम करता है, जिसे आप रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। तो जिन बच्चों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं आता है उसका अर्थमेटिक कमजोर हो जाता है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एसएससी के लिए, बैंकिंग के एग्जाम के लिए या फिर सीडीएस के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आप मेरे इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे और पाएंगे कि आगे जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो उन टॉपिक्स में किस तरह रेशियो प्रोपोर्शन को यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपात। ठीक है, अनुपात बेसिकली जो रेशियो है वो यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए, टू कंपेयर, तुलना करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए यूज किया था तुलना करने के लिए। जैसे अगर मैं कहूं कि द वेट ऑफ राम इज ट्वाइस द वेट ऑफ डेविड। तो इसका क्या मतलब स्टूडेंट्स? इसका ये मतलब है राम का वेट डेविड के वेट से दुगना है। तो अगर मैं इसको एक्सप्रेस करना चाहूँ तो मैं कैसे एक्सप्रेस करूँगा टेबलर फॉर्म में? यहाँ राम लिखा, यहाँ डेविड लिखा और यहाँ लिख दिया मैंने वेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी हम किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम कोशिश करते हैं कि उसको एक टेबलर फॉर्म में लिखा जाए। अगर आप उसको टेबलर फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है। अगर आप उसको टेबलर फॉर्म में नहीं लिख पा रहे तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने बोला है राम का वेट डेविड के वेट का दुगना है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर डेविड का वेट 1 होगा तो राम का वेट 2 होगा। तो इस प्रकार हमने दो इंसानों की, राम और डेविड की, भारों का भारों की तुलना की कि राम का वेट डेविड के वेट से दुगना है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? अनुपात कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आगे कैसे करेंगे इसको। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं कहूं कि
the weight of Mohan is thrice the weight of Gita. ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मतलब है इसका? अगर मैं इसको टेबलर फॉर्म के लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? इसको मैं लिखूंगा यहां लिखूंगा मोहन, यहां लिखूंगा गीता, ठीक है, और यहां लिखूंगा वेट। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है मोहन का वेट गीता के वेट का थ्राइस है। तो इसका मतलब है अगर गीता के वेट को वन एज्यूम किया जाएगा तो मोहन के वेट को थ्री एज्यूम किया जाएगा। जैसे कि स्टेटमेंट से साफ जाहिर होता है कि मोहन को गीता से कंपेयर किया जा रहा है, तो जिससे कंपेयर किया जा रहा है पहले उसको हम लिखेंगे, और उसके बाद मोहन का वेट गीता के वेट से अगर थ्राइस है, तो जिससे मैंने गीता का वेट वन मान लिया तो मोहन का वेट क्या हो गया? वन थ्री हो गया। तो इस तरह से मोहन और गीता का जो वेट का रेशियो है 3:1 है। ठीक है, तो इससे ये पता लगा कि जो रेशियो है हमें ये बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी का कितना टाइम्स है। अगर कोई भी चीज़ हमें रेशियो में गिवन है तो हम उस बात से इस बात का पता लगाते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का कितना टाइम्स है। ठीक है स्टूडेंट, इसी को हम कह सकते हैं मोहन और गीता का वेट का जो रेशियो है 3:1 है। ठीक है, देखिए एक स्टेटमेंट और देखते हैं, एक स्टेटमेंट और देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है। अगर मैं कहूं द एज ऑफ मोनो इज 2/5 टाइम्स द वेट ऑफ सोनू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए फिर से वही बात, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे किया जा रहा है मोनू के वेट को सोनू के वेट से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मोनू, मोनू के वेट को किससे कंपेयर किया जा रहा है? सोनू के वेट से। यहाँ मैं लिख दिया सोनू, अगर मैं सोनू यहाँ और यहाँ मैंने लिख दिया इक्वल, जो रो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेट को। अगर सोनू, क्योंकि मोनू के वेट को सोनू के वेट से कंपेयर किया जा रहा है, तो सोनू का वेट अगर मैंने 1 kg मान लिया तो मोनू का वेट क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो हमें ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ये जो फ्रैक्शन है ये हमें प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम इस पूरी क्वांटिटी को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट यू गेट? यू गेट 2:5। ठीक है सुनिए, यानी जो ये लिखा हुआ है कि मोनू का वेट अगर सोनू का वेट अगर 1 है तो मोनू का वेट क्या होना चाहिए? 2/5 होना चाहिए। तो इसी बात को मैं ऐसे लिख सकते हैं। तो एग्जाम में आपने डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट लिखना है, ये स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कभी भी ऐसा गिवन है कि द एज ऑफ मोनो इज 2/5 टाइम्स द वेट ऑफ सोनू, इसका ये मतलब हो गया कि अगर हम सोनू के वेट को 1 अज्यूम कर लेते हैं तो मोनो का वेट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि
यहाँ पे मोनू के वेट को सोनू के वेट से कंपेयर किया गया है। सोनू का वेट कितना अज्यूम करोगे स्टूडेंट्स, वन के बदले फाइव अज्यूम करोगे। अगर वन अज्यूम करोगे तो ये नंबर किस में आ जाना है, फ्रैक्शन में आ जाना है। और फाइव क्यों अज्यूम करना है, क्योंकि फाइव इस फाइव का टू फिफ्थ करना आसान है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी सोनू का वेट फाइव होगा तो मोनू का वेट कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए देयर आर थ्री नंबर्स इन द रेशियो 3:5:7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन नंबर हैं। इसका ये मतलब है जब भी फर्स्ट नंबर थ्री होगा तो सेकंड नंबर कितना होगा स्टूडेंट्स, फाइव होगा। थर्ड नंबर कितना होगा, सेवन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट नंबर को थ्री, सेकंड को फाइव, थर्ड को सेवन कह रहे हैं। ठीक है, इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर सिक्स है, सेकंड नंबर टेन है और थर्ड नंबर फोर्टीन है। ठीक है, आपने क्या किया, इसको भी टू से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको भी टू से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इन तीनों नंबर्स के रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे ये नंबर, इसका कितना टाइम्स है, थ्री फिफ्थ टाइम्स है। ठीक है, यहाँ भी ये नंबर सिक्स, टेन का कौन सा पार्ट है, थ्री फिफ्थ है। ठीक है ना, तो इसी तरह अगर फर्स्ट नंबर को हम नाइन अज्यूम कर लें, यानी इसको हमने थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस फाइव को भी थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस सेवन को भी थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर किन्हीं भी दो या तीन नंबर का रेशियो में गिवन है तो उसके रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आएगा अगर हम सभी नंबर्स को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ नंबर्स अलग अलग हो जाएंगे लेकिन रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं कहूँ कि मेरी उम्र आपसे दुगनी है, कि ए की एज बी से दुगनी है, तो अगर मैं बी की एज वन मान लूँ, ए की एज टू मान लूँ, तो ये ए की एज बी का ट्वाइस हो गया। इसी तरह अगर मैं बी की एज को थ्री मान लूँ तो बी ए की एज कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। अब बी ये एज इसका डबल है तो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ा, नंबर हमने चेंज कर दिए, लेकिन यहाँ भी ये नंबर इस नंबर का ट्वाइस था और यहाँ भी ये नंबर इस नंबर का ट्वाइस है। ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि मैंने अगर इसको थ्री से मल्टीप्लाई किया है तो मैंने इसको भी थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर दो या दो से अधिक नंबर्स का रेशियो गिवन है तो उन सभी नंबर्स को हम एक ही अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल और स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देयर आर थ्री नंबर्स इन द रेशियो 3:7:11. If the least number, if the least number is 24, find all the three numbers. देखिए इसमें ये चार लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं कभी भी स्टूडेंट्स को ये नहीं कहूंगा कि आप जल्दी सांस निकालें। सबसे पहले आपका लिखने का तरीका बढ़िया होना चाहिए, क्या आप उसको टेबलेट फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे। तो किसी भी फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप उसको लिखना जानते होंगे। तो मैंने कहा कि इसको टेबलेट फॉर्म में लिखो, तो फर्स्ट नंबर अगर हम 3 अज्यूम कर रहे हैं तो सेकंड नंबर क्या होगा, 7 होगा, थर्ड नंबर क्या होगा, 11 होगा, ठीक है। तो ये तो आपकी एजप्शन है, लेकिन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इसमें जो लीस्ट नंबर लिखा हुआ है वो 24 होना चाहिए, यानी जो अकॉर्डिंग टू मी द लीस्ट नंबर इज 3, बट एक्चुअली इट शुड बी 24। तो इस 3 को 24 में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 56 और ये हो गया 88। ये आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर 24 यानी लीस्ट नंबर जो आपको गिवन था, सेकंड नंबर इज 56 एंड थर्ड नंबर इज 88। तो दीज आर द थ्री नंबर्स, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट नंबर इज 3/7 द सेकंड नंबर, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का 3/7 हिस्सा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इफ द फर्स्ट नंबर is 21, find the second number, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज 3/7 द सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर को किससे कंपेयर किया गया है, सेकंड नंबर से। तो पहले आप सेकंड नंबर को अज्यूम करेंगे, जिससे कंपेयर किया जाता है उसको अज्यूम करेंगे, और ऐसा नंबर अज्यूम करेंगे जिसका 3/7 निकालना आसान है, ठीक है। 1/7 निकालना किसका आसान है, 7 का, क्यों, क्योंकि 7 का 1/7 1 होता है, 7 का 2/7 क्या होता है, अगर 7 का 1/7 1 होता है तो 2/7 कितना होगा, उसका दुगना होगा, 2 हो जाएगा। तो इसलिए हम सेकंड नंबर को 7 अज्यूम करते हैं। अगर सेकंड नंबर 7 हो गया तो फर्स्ट नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा,
और थ्री हो जाएगा, राइट। लेकिन क्वेश्चन में ये तुम्हारी एजेप्शन थी कि जब भी सेकंड नंबर सेवन होगा तो फर्स्ट नंबर कितना होगा, थ्री होगा। लेकिन फर्स्ट नंबर आपको गिवन है 21, तो ये जो आपका बना है रो, ये बना है आपका एज्यूम नंबर का। और एक्चुअली आपको फर्स्ट नंबर कितना गिवन है, 21। तो आपको ये डिसाइड करना है कि इस 21 को कहाँ लिखा जाए, कहाँ लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। 21 क्या है, फर्स्ट नंबर है, तो 21 को यहाँ लिखा जाएगा, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस कॉलम फॉर द फर्स्ट नंबर, राइट। तो अब देखिए हमारा जो एज्यूम फर्स्ट नंबर था वो 3 था, लेकिन एक्चुअली कितना है, 21। तो इस 3 को 21 में कन्वर्ट करने के लिए हम किस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस सेकंड नंबर को भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट यू गेट 49। दिस इज योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो मैं आपको एज्यूम और एक्चुअल लिखा रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करते हुए आपने इसको लिखना है, अदरवाइज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज 3:5, राइट। If their sum is 72, find both the numbers. ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपसे जरूरी नहीं कि बोध नंबर पूछे, आपसे पूछ सकता है सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। फाइंड देयर प्रोडक्ट आपसे पूछ सकता है, फाइंड देयर डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको मैं साइड में करता हूँ, देखिए आप ध्यान से, ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है, दोनों का रेशियो कितना गिवन है, 3:5। यानी अगर फर्स्ट नंबर को 3 अज्यूम करूंगा तो सेकंड नंबर को 5 अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी एजप्शन है, एजप्शन, बट एक्चुअल कंडीशन भी हमें देखनी पड़ेगी, एक्चुअल कंडीशन क्या गिवन है। एक्चुअल कंडीशन गिवन है देयर सम, एक्चुअल कंडीशन गिवन है देयर सम इज 72। अगर मैं फर्स्ट नंबर 3 अज्यूम कर रहा हूँ और सेकंड नंबर 5 अज्यूम कर रहा हूँ, सम कितना आ गया, 8 आ गया, राइट। जबकि हमें सम कितना गिवन है यहाँ पे, 72। तो 72 कहाँ लिखेंगे आप, 72 लिखेंगे सेकंड रो में और सम के नीचे, ये आ गया 72। तो इस नकली सम को असली सम में, यानी एज्यूम्ड सम को एक्चुअल सम में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 से। तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 27। इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 45। दिस इज योर आंसर,
इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द प्रोडक्ट, तो अब इस प्रोडक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 45 मल्टीप्लाई 27 कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 7 फाइव जो 35, 4 टू जो 8 मल्टीप्लाई, 4 सेवन जा 28, देन 2 फाइव जो 10, ये आपका मल्टीप्लिकेशन 1215, ये आप आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये मैंने शॉर्टकट मेथड से किया है, इसके लिए आप मेरा जो शॉर्टकट मेथड मल्टीप्लिकेशन का जो वीडियो है वो आप जरूर देख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है फाइंड द डिफरेंस, तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स। देखिए इसको दोबारा से करते हैं, फर्स्ट नंबर 3 एज्यूम किया, सेकंड नंबर 5 एज्यूम किया, सम कितना हो गया 8, पूछा क्या गया है डिफरेंस, फर्स्ट नंबर 3 सेकंड नंबर 5 सम कितना गिवन है 8, सम 72 गिवन है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो सम आया वो 8 आया। तो अगर फर्स्ट नंबर 3 है सेकंड नंबर 5 है तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 का हो जाएगा। यहां पे ये चार जो नंबर्स दे रखे हैं फर्स्ट रो के अंदर एज्यूम्ड के अंदर, ये चारों के चारों नंबर्स जो है एज्यूम नंबर्स हैं। ये 8 कैसे आया, क्योंकि हमने ये दो नंबर एज्यूम किए थे, तो इनका सम कितना होगा 8 होगा और डिफरेंस कितने का होगा 2 का होगा। हमें इसमें से ये आपको गिवन है एक्चुअल जो सम गिवन है वो 72 है। इस 8 को 72 में कन्वर्ट करने के लिए हम किस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 से, तो इस 2 को भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ गया 18। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे भी कि जो 27 और 45 का डिफरेंस है वो 18 ही आएगा, ये देखो 18। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से क्वेश्चन को एग्जाम में करना है। क्वेश्चन लेके चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th, फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर इज 1/5 ऑफ द थर्ड नंबर। फाइंड देयर रेशियो, फाइंड देयर रेशियो, बिटवीन थ्री नंबर्स, between find the ratio between three numbers। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए पहली जो स्टेटमेंट है इसमें दो कंडीशन दे रखी है आपको, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ये जो लाइन लिखी हुई है इसमें लिखा हुआ है, इसमें फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से कंपेयर किया गया है, फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर,
सेकंड नंबर को मैंने फोर एज्यूम किया, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन गिवन है, दूसरी कंडीशन में सेकंड नंबर को थर्ड नंबर से कंपेयर किया गया, तो अगर मैं थर्ड नंबर को फाइव एज्यूम कर लूँ तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो लॉजिकली यहाँ पे देखिए, जो सेकंड नंबर यहाँ लिखा हुआ है ये कितना लिखा हुआ है? फोर लिखा हुआ है, जबकि यहाँ सेकंड नंबर कितना लिखा हुआ है? वन लिखा हुआ है। इन दोनों को अभी मर्ज नहीं कर सकते हम, ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है। तो इन दोनों को मर्ज करने के लिए हमें पहले इसको लॉजिकली करेक्ट करना होगा। लॉजिकली करेक्ट करने का मतलब है, अगर सेकंड नंबर यहाँ फोर है तो यहाँ भी सेकंड नंबर फोर होना चाहिए। तो अब इसको फोर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड नंबर को भी फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जाएगा फोर एंड ट्वेंटी, राइट स्टूडेंट। अब ये डाटा हमारे पास लॉजिकली करेक्ट आ गया, दिस इज द करेक्ट डेटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या हो गया, अब इन दोनों कंडीशन को हम मर्ज कर सकते हैं। इसका ये मतलब हो गया, जब भी फर्स्ट नंबर थ्री होगा तो सेकेंड नंबर कितना होगा? फोर होगा, और सेकेंड नंबर फोर होगा तो थर्ड नंबर कितना होगा? ट्वेंटी। सो दिस इज द रेशियो बिटवीन दीज थ्री नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए ये वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में फिर मैं आपको मिलूँगा, कुछ नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा और इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए राजेंद्र सिंह को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।